कब आए यहाँ पर? क्या लिया? 3 तारीख क्या लिया? अच्छा, अभी क्या चाह रही है आप? क्या किरने चाह रहे हैं यार, क्या चाह रहे हैं? जिले के सगरा थाना क्षेत्र बरियारपुर में झोला छाप डॉक्टर के द्वारा सुनीता की दोनों किडनी निकालने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नर्सिंग होम संचालक पवन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी बरियारपुर से हुई है। वह अपने घर आया हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर सकरा थानेदार सरोज कुमार, बरियारपुर उप प्रभारी राजेश कुमार ने टीम के साथ रेड कर उसे दबोच लिया। उससे पूछताछ के लिए मुजफ्फरपुर लाया गया। यही DSP पूर्वी मनोज पांडे ने आरोपी से पूछताछ की। इसके बाद उसे जेल भेज दिया है। आरोपी पवन ने पुलिस को बताया कि घटना के 1 सप्ताह बाद तक वह इधर उधर छुप कर रहा, लेकिन मामला जब बढ़ने लगा तो वह दिल्ली चला गया। वह अपने एक दोस्त के पास छिपा हुआ था। वहां से भूटान जाने के प्लान कर रहा था। इसी दौरान उसने सोचा कि एक बार घर पर जाकर सबसे मिल ले। वह दिल्ली से घर आया था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। आरोपी को दबोच लिया गया। वहीं पवन से पूछताछ में पुलिस को बताया कि सुनीता के ऑपरेशन के दिन डॉक्टर आरके सिंह, उसका असिस्टेंट पवन और एक स्टाफ था जिसका नाम वह नहीं जानता है, जबकि पातेपुर का जितेंद्र उस दिन नहीं आया था। पवन ने बताया कि जिस समय ऑपरेशन हो रहा था उसी समय वह कुछ देर के लिए अपने बच्चे को लेने स्कूल में गया था। जब आया तब तक ऑपरेशन हो चुका था। साथ ही DSP पूर्वी को बताया कि मरीज की तबीयत जब बिगड़ने लगी तो वह खुद लेकर उसे PMCH गया था। कब आए यहाँ पर? 3 तारीख क्या लिया? अच्छा, अभी क्या चाह रही है आप? क्या किरने चाह रहे हैं यार, क्या चाह रहे हैं? कब आए यहाँ पर? 3 तारीख क्या लिया? अच्छा, अभी क्या चाह रही है आप? क्या किरने चाह रहे हैं यार, क्या चाह रहे हैं? जिले के सगरा थाना क्षेत्र बरियारपुर में झोला छाप डॉक्टर के द्वारा सुनीता की दोनों किडनी निकालने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नर्सिंग होम संचालक पवन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी बरियारपुर से हुई है। वह अपने घर आया हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर सकरा थानेदार सरोज कुमार, बरियारपुर उप प्रभारी राजेश कुमार ने टीम के साथ रेड कर उसे दबोच लिया। उससे पूछताछ के लिए मुजफ्फरपुर लाया गया। यही DSP पूर्वी मनोज पांडे ने आरोपी से पूछताछ की। इसके बाद उसे जेल भेज दिया है। आरोपी पवन ने पुलिस को बताया कि घटना के 1 सप्ताह बाद तक वह इधर उधर छुप कर रहा, लेकिन मामला जब बढ़ने लगा तो वह दिल्ली चला गया। वह अपने एक दोस्त के पास छिपा हुआ था। वहां से भूटान जाने के प्लान कर रहा था। इसी दौरान उसने सोचा कि एक बार घर पर जाकर सबसे मिल ले। वह दिल्ली से घर आया था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। आरोपी को दबोच लिया गया। वहीं पवन से पूछताछ में पुलिस को बताया कि सुनीता के ऑपरेशन के दिन डॉक्टर आरके सिंह, उसका असिस्टेंट पवन और एक स्टाफ था जिसका नाम वह नहीं जानता है, जबकि पातेपुर का जितेंद्र उस दिन नहीं आया था। पवन ने बताया कि जिस समय ऑपरेशन हो रहा था उसी समय वह कुछ देर के लिए अपने बच्चे को लेने स्कूल में गया था। जब आया तब तक ऑपरेशन हो चुका था। साथ ही DSP पूर्वी को बताया कि मरीज की तबीयत जब बिगड़ने लगी तो वह खुद लेकर उसे PMCH गया था। कब आए यहाँ पर? 3 तारीख क्या लिया? अच्छा, अभी क्या चाह रही है आप? क्या किरने चाह रहे हैं यार, क्या चाह रहे हैं?